हेलमेट लगा ले रहे, ये गलती होनी नहीं चाहिए, गलती के सजा दी है तेरे लिए। कम से कम ये राजस्थान पुलिस नहीं है, ये हरियाणा पुलिस है। कोई बात नहीं, समझ गया वो कह रहा है ना, उसने बात का जवाब दे, इसमें पाउंड कर रहे हम, बस पकड़ ले यहाँ पे, समझ गया। अब उसको नहीं पकड़ रहा, वो जा रहा, वो मेरी मर्जी है, जाने क्यों ना जाने। राज्य से ऐसे बोला जा रहा है, गलत है तेरी बात, मैं क्या तो करी वो सिर्फ छोड़ देता, मैं छोड़ देता बाइक को तेरी को, तो बता रहा वो भाई कह रहे हैं। मैं करूंगा चलान, मेरी बात नहीं है, राजस्थान पुलिस नहीं है, ये हरियाणा पुलिस है। कोई बात नहीं, समझ गया वो कह रहा है ना, उसके बाद का जवाब दे, इसमें पाउंड कर रहे हम, बस पकड़ ले यहाँ पे, समझ गया। अब उसको नहीं पकड़ रहा, वो जा रहा, वो मेरी मर्जी है, जाने दू ना जाने दू। कोर्ट में चला गई है, ठीक है यार, कम से कम इसको बोलने की तमीज नहीं है। कोई बात, दिमाग हो उतनी बात है यार, ले मेरे पे ले जा 100-200 रुपए, तेरे पे कम है तो, समझ गया। इतना ही दिनार के ने पेट्रोल डलवाएगा, तो इसने कह कैसे दिया, आज वो जा रहे तू, तेरी परमिशन से रुकवा दे, मैं किसी को एक साथ गलती हो गई तेरे, यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी बस सर, गलती हो गई। इनने जेब में रख ले, समझ गया, और बस पकड़ ले, वो आ जाता है अभी मशीन काट में लगा रहे, मशीन लगा देखते। क्यों मार रहा हूँ, क्यों मार रहा हूँ, बता क्यों मार रहा हूँ, मार रहा राज्य से ऐसे बोलना जाना, जल खतरी बात, मैं क्या पत्र वो सिर्फ छोड़ देता, बोलने का रास्ता पकड़ रहे हो, अरे यो तो कुछ नहीं टपक रहा, यहाँ से तू पैदल जाता इस गर्मी में, कोई बात नहीं, साफ हो गया, कोई बात नहीं, गलती हो गई भाई, ऐसे नहीं होने चाहिए ना, हेलमेट लगा ले रहा, ये गलती होनी नहीं चाहिए, गलती की सजा दी है तेरे लिए, कम से कम यार आज बात कम से कर ले, सारी दुनिया को हम पटे पड़म जाए अपना कुछ, महेंद्रगढ़ पुलिस के पुलिसकर्मी पर रिश्वत लेने के आरोप लगे हैं। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पूरा मामला राजस्थान की सीमा के साथ लगते गांव मंडाना पुलिस नाके का बताया जा रहा है। ये पुलिस नाका नारनौल सदर थाने के अंतर्गत आता है। वीडियो में बाइक सवार युवकों से 200 रुपये रिश्वत की मांग की जा रही है। युवकों ने उक्त पुलिसकर्मी को 200 रुपये दिए तथा इसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। वीडियो वायरल होने के बाद मामला जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण के संज्ञान में आया, जिसके बाद आरोपी एसपीओ धर्मेंद्र को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर जांच के आदेश दे दिए हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है तथा वायरल वीडियो के बारे में पता लगाया जा रहा है कि यह घटना कब की है।